और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ बेबी बर्ड हमारे घर पे नया नया आया है लास्ट दो दिन पहले। तो ये है तीन टाइप का, तीन स्पीसीज का बेबी, इसके बारे में आज बात करेंगे। एक है पाइनएप्पल, एक है येलो साइट और तीसरा है ब्लू येलो। एक एक करके मैं डिटेल्स में पूरा बताऊंगा कौन से स्पीसीज का क्या प्राइस है। तो ये तीन बेबी हमारे घर पे जस्ट नया नया आया है, इसको हम अभी हैंड फिट कर रहे हैं। ज़्यादातर ये टेम और इसको हैंड फिटिंग देने के लिए ही हमने लाए हैं हमारे फ्रेंड के फार्म से। तो इस वीडियो में पूरा आपके साथ शेयर करेंगे कौन से स्पीसीज का क्या प्राइस है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है सन करियर के बारे में जानने में तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। ये तीनों बेबी बहुत छोटा है, हालांकि इसमें एक थोड़ा ज़्यादा है इन दोनों के मुकाबले। तो इसका एज लगभग 35 डेज हो चुका है और ये जो दोनों हैं, एक का एज है 22 डेज और एक का है 25 डेज। तो ये तीन बेबी हमारे पास आज दो दिन से हमारे पास है, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही प्लेफुल है। ये तीनों बेबी लाने का कारण नहीं था, हमारा जो दोस्त का फार्म है वहीं से हमने इन तीनों को लाए हैं। तो एक पेयर से अगर तीन चार अंडा अगर चिक्स निकल आता है तो कभी कभार देखा गया है कि कनियर के बारे में या अगर आप कोई भी बर्ड के बारे में अगर आप देखेंगे तो जो छोटा बच्चा है या जो बच्चा वीक रहता है उसको उसके माँ बाप खिलाना बंद कर देते हैं। तो उस वजह से ही उन सब बच्चों को बाहर निकाल के हैंड फीडिंग करना पड़ता है और कुछ कुछ टाइम बहुत सारे जो बायर्स है वो हैंड टेम बेबी लेना चाहते हैं। तो उस वजह से भी बेबी को जब छोटा रहता है, जब उसका फेदर जब निकल आता है, तब उनको बॉक्स से निकाल के उसको हैंड फीडिंग किया जाता है टेम करने के लिए। तो दो इसका कारण है, एक तो अगर माँ बाप ने उसको नहीं खिलाया है या खिलाना नहीं चाहता है, किसी भी कारण से बेबी बीमार है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तब उसको निकालना पड़ता है। या हैंड टेम बेबी अगर कोई चाहता है, कोई ख़रीदना चाहता है, तब उस बेबी को इस एज से बॉक्स से निकाल के उसको हैंड टेम किया जाता है। तो अभी लास्ट दो दिन से हमारे घर पे हैं ये तीन बेबी हैं। एक है पाइनएप्पल कनूर, यानी रेड फैक्टर है ये, और एक है येलो साइडर और एक है ब्लू येलो चिक। तो सभी म्यूटेशन है, पाइनएप्पल रेड फैक्टर भी म्यूटेशन एक है और येलो साइडर भी एक ग्रीन चिक का म्यूटेशन है और ब्लू येलो भी एक म्यूटेशन है। यहाँ पर तीनों ही जो बेबी है ये म्यूटेशन सबके अंदर ही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके प्राइस के बारे में, कौन सा कनूर का क्या प्राइस है। देखिए, नॉर्मली किसी भी तरह का कोई भी पेट का कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ ऑलरेडी दूसरे वीडियो में। इन सब का डिपेंड करता है पूरा का पूरा प्राइस कंट्री के ऊपर, टाइम के ऊपर, कब आप खरीद रहे हैं और ब्रीडर क्या मांग रहा है। सब कुछ डिपेंड है ब्रीडर के ऊपर, वो चाहे तो आपको 10 रुपये में भी बेच सकता है या 10,000 में भी आपको बेच सकता है। उसके बाद है इसका म्यूटेशन, सबसे ज़्यादा देखा जाता है ये बर्ड का म्यूटेशन। म्यूटेशन जितना होगा, जितना कलर अच्छा होगा, उसके ऊपर प्राइस वेरी करता है। नॉर्मली ये जो बर्ड है ये है पाइनएप्पल कनूर, इस बर्ड का भी म्यूटेशन है। नॉर्मल पाइनएप्पल कनूर अगर आप देखेंगे तो आपको मिनिमम 2,500 से आपको 5,000 तक एक का सिंगल का आपको प्राइस देखने को मिलेगा। हैंड टेम का प्राइस अलग है, वो जो सेल करेगा, जो हैंड टेम करेगा जिसका बर्ड है उसके ऊपर है, क्योंकि उसके बर्ड के साथ साथ उसका मेहनत भी उसके साथ अटैच होता है। तो इसलिए टेम बर्ड का प्राइस दूसरे बर्ड के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो नॉर्मल पाइनएप्पल कनूर उसका प्राइस लगभग 2,500 से लेके आपको 5,000 तक सिंगल आपको देखने को मिलेगा। पेयर में अगर आप वाइल्ड यानी टेम नहीं जो बर्ड है, ब्रीडिंग पर्पस के लिए जो लिया जाता है, उसका प्राइस लगभग 5,000 से लेके 9,000 तक आपको देखने को मिलेगा। फिर भी दोस्तों ये कंट्री के ऊपर है, ब्रीडर के ऊपर है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। कनूर टाइप का जो स्पीसीज है ये एग्जॉटिक बर्ड है, किसी भी कंट्री में बैन नहीं है, आप इजीली आप इसको घर पर रख सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, आप पाल सकते हैं।
हालांकि शोर ज़्यादा करता है, टॉकिंग नहीं करता है, लेकिन ये बर्ड बहुत ही फनी होता है। ऑलरेडी हमारे घर पे है निक्की, कनेरो टाइप का बर्ड, बहुत ही प्लेफुल है, बहुत ही एक्टिव है, और इनका फूड बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। नॉर्मल घर का वेजिटेबल स्प्राउट्स या आप पैलेट्स आप दे सकते हैं, सीड्स भी आप दे सकते हैं, इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यह है येलो साइडर कनेर, ये भी एक म्यूटेशन है ग्रीन चिक का। इस कनेर में बहुत सारा कलर का वैरायटी आपको देखने को मिलेगा, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, ये बहुत ही कलरफुल और बहुत ही एक्टिव प्लेफुल है। इस बर्ड का प्राइस अगर हम देखेंगे, सिंगल का प्राइस लगभग आपको 4000 से लेके आपको 8000 तक सिंगल का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ टेम बर्ड के ऊपर, हैंड टेम बर्ड। अगर आप इसको वाइल्ड यानी ब्रीडिंग पेयर आप लेने जाएंगे, इसका पेयर आपको नॉर्मली 8000 से लेके 12000 तक आपको देखने को मिलेगा। फिर भी डिपेंड है इसके कलर के ऊपर, इसका म्यूटेशन के ऊपर, बर्ड के हेल्थ के ऊपर, कंट्री के ऊपर। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ इस प्राइस रेंज से इस प्राइस रेंज तक हो सकता है। हर एक बर्ड का कोई फिक्स प्राइस नहीं है, डिपेंड करता है सेलर के ऊपर। ये येलो साइडर कनेर बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही प्लेफुल है। ज़्यादातर ये येलो साइडर कनेर बहुत सारे कंट्री में पेट के तौर पे सिंगल घर पे रखा जाता है, जैसे कि छोटे डॉग को हम रखते हैं बहुत सारे कंट्री में, डॉग के तरह ही सिंगल टेम बना के, हैंड टेम बना के घर पे रखा जाता है। बहुत ही प्लेफुल बर्ड है ये, बहुत ही एक्टिव है। तो दोस्तों ये है ब्लू येलो साइडर। इस ब्लू येलो साइडर या ब्लू कनेर में बहुत सारे म्यूटेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हो गया ब्लू ग्रीन चिक, ब्लू येलो चिक, ब्लू येलो साइडर, बहुत सारा ऐसा वैरायटीज आपको देखने को मिलेगा। इस कनेर में आपको रिसेंटली ये म्यूटेशन है, लास्ट कुछ सालों में ये नया आया है, इसलिए इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। इस तरह का कनेर में आपको बहुत सारा गॉर्जस कलरफुल आपको देखने को मिलेगा। तो अभी भी इसका फुल कलर नहीं आया है, नॉर्मली कनेर का कलर लगभग 1 से 1.5 साल के बाद ही जब वो एडल्ट होता है तब फुल आता है। ये ब्लू येलो साइडर कनेर है, इसका अगर आप पंख देखेंगे तो इसमें आपको हल्का सा ग्रीनिश का भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब ये फुल एडल्ट हो जाएगा तब इसका कलर फेदर का जो है ये ब्लू हो जाएगा, इसका हेड जो है ये ब्लैक रहेगा और इसके फेदर में थोड़ा ग्रीन भी रहेगा। इसके पेट के नीचे जो है येलो और ब्लैक का कम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा और कलरफुल हो जाएगा। नॉर्मली बाकी जो दो कनेर हैं उससे इस बर्ड का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। नॉर्मली सिंगल इसका प्राइस आपको टेम बर्ड 8000 से लेकर 10000 तक आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वाइल्ड पेयर लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 14000 से लेके आपको 20000 तक इसका कलर के ऊपर, म्यूटेशन के ऊपर आपको प्राइस देखने को मिलेगा। ये बर्ड बाकी जो दो कनेर हैं मैंने दिखाया है पाइनएप्पल या येलो साइडर कनेर से, इसका साइज छोटा है और इसका ब्रीड भी थोड़ा कम होता है, इसलिए इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के साथ हमने शेयर किए हैं। जो 3 बेबी है हमारे पास, लगभग कुछ दिनों में, कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद ये चला जाएगा, क्योंकि इसको हमने जस्ट लाए हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, हैंड टेम करने के लिए। आगे जाके देखते हैं कि अगर कोई हमारा बर्ड लेने का प्लान है तो ज़रूर बताएंगे। तो अभी तक तो ये हमारे घर पे मेहमान है, इसको अच्छे से केयर करना, ट्रीटमेंट करना, ये सब अभी करने की ज़रूरत है, इसको हेल्दी बनाने की और टेम करने की। तो आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है इन सब बर्ड के बारे में और कुछ जानने के लिए, तो हमको ज़रूर मुझे कॉमेंट करें, तो ज़रूर मैं आप लोगों का हेल्प कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना सही था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।